पहला इशारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पहला इशारा है सीरियसनेस का। अगर कोई इंसान आपको वाकई में प्यार करेगा, वाकई में बहुत अधिक प्यार करने लगेगा, तो पहला इशारा उसका होगा कि वो आपके प्रति सीरियस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर या जिसके प्यार में आप हो वो इंसान आपके प्रति अधिक सीरियस हो गया है, तो फिर यहाँ पे आपको खुश होना चाहिए कि आपको ऐसा पार्टनर मिला है। क्योंकि ज़्यादातर आज की डेट की बात करें तो ऐसे ही लोग हैं जो लोगों को घुमा रहे हैं। घुमाने का मतलब है कि हल्के में ले रहे हैं, हल्के में लेने का मतलब है कि टाइम पास कर रहे हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पास ऐसा इंसान है जो आपको सीरियसली प्यार कर रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, कि ऐसे इंसान को प्यार को कभी भी आप हल्के में ना लें। क्योंकि एक नहीं हज़ारों केस मैंने ऐसे डील किए हैं जिसमें जिसने भी ये गलती की कि अपने पार्टनर के प्यार को हल्के में लिया और उसका पार्टनर सीरियसली प्यार कर रहा था, वो इंसान आज भी रो रहा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की। तो आप प्लीज़ ऐसी गलती कभी ना करें। तो पहला इशारा मैंने क्या आपको बताया, सीरियसनेस का। जो भी आपको डीपली प्यार करेगा, अधिक चाहने लगेगा, अधिक चाहना स्टार्ट कर देता है, वो आपके प्रति सीरियस हो जाता है, आपकी छोटी छोटी बातों को सीरियसली लेगा, आपके मजाक को भी वो सीरियसली लेगा। तो ये पहला पॉइंट है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा इशारा क्या होता है, शेयर एवरीथिंग। अगर कोई इंसान आपको बहुत अधिक प्यार करेगा तो आपसे अपनी सारी बातों को शेयर करना चाहेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आज पूरे रूटीन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, पड़ोसी के साथ क्या हुआ, पड़ोस में क्या हुआ, फ्रेंड के साथ क्या हुआ, सहेली के साथ क्या हुआ, या हमारी लाइफ में क्या एडवेंचर हुआ, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कहने में इंटरेस्टिंग लगेंगी, मज़ा आएगा, ऐसी जितनी भी बातें होती हैं वो माइंड कलेक्ट करके रखता है। और अगले दिन जब बात होती है फ़ोन पे या आमने सामने, तो सारी छोटी छोटी बातों को कहा जाता है। तो अगर आपके पार्टनर में ये खूबी है, अगर आपका पार्टनर ये इशारा देता है, यहाँ वहाँ से आपको अगर ये देखने को मिलता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान आपको अधिक प्यार करने लगा है, अधिक चाहने लगा है। इसका मतलब क्या है, पहला एंगल ये है कि आप उस इंसान के माइंड सेट को समझो। उसका माइंड सेट ये बोल रहा है कि इस इंसान से हमें अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, और हम अगर ऐसी नई नई बातों को शेयर करेंगे तो बातें इंटरेस्टिंग भी होंगी, सामने वाला बोर भी फील नहीं करेगा, और कॉल पर बातें थोड़ी लंबी भी हो पाएंगी। तो यहाँ पर ढेर सारे एंगल एक साथ जो है जुड़ जाते हैं। तो ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि आपका पार्टनर आपको अधिक चाहता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपका पार्टनर अगर ऐसा करता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत गुड साइन है। ठीक है, अब बात करते हैं साइन नंबर थर्ड की। पॉइंट नंबर थर्ड जो है, तीसरा इशारा, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने एक केस स्टडी से पिक किया है, तो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा इशारा जो है वो है गुस्सा रहना। अगर कोई इंसान आपसे बहुत अधिक प्यार करने लगेगा तो वो आपसे गुस्सा रहेगा। आपकी आपने अगर कोई गलती की है तो उस पर गुस्सा लंबे समय तक टिकेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम गुस्सा होने की बात नहीं कर रहे हैं। गुस्सा होने का मतलब क्या है, हम गुस्सा हुए और गुस्सा शांत हो गया, अब नॉर्मल हो गए, तो गुस्सा हुए नहीं कि गुस्सा चला भी गया, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। गुस्सा होने का मतलब है शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं गुस्सा रहना, इसका मतलब है, इसका सेंस है लॉन्ग टर्म से, यानी कि अगर कोई इंसान गुस्सा होता है तो वो थोड़ा लंबे समय तक गुस्सा रहेगा। हो सकता है कि 15 दिन हो जाए, हो सकता है कि 1 महीने तक चला जाए। अब इसका मतलब क्या है, रिसेंट का जो केस था उसमें यही हुआ कि एक पार्टनर जो है कुछ ऐसा कर दिया, ऐसी गलती कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ, बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होगी, रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा, सारी चीज़ें एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ अच्छे ट्रैक पर होगा, लेकिन जो गुस्सा होगा ये थोड़ा लंबा खिंच जाता है। तो क्या कभी आपके रिलेशनशिप में ऐसा मोड आया है जब आपका पार्टनर थोड़ा लंबे टाइम के लिए आपसे गुस्सा हो गया हो, आपकी बातें कभी कभार चल रही हों, एक दूसरे को कभी कभार देख पा रहे हों, लेकिन अच्छे से ना चल रहा हो, आपको क्लियरली पता चल रहा हो कि हाँ हमने ये गलती की है, इसकी वजह से हमारा पार्टनर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है। तो जो इंसान थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए गुस्सा हो जाता है, उसका प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके प्यार की गहराई का आप कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पे एक बात ये भी कही जाती है कि जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे गुस्सा भी होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा प्यार होता है ना, वहाँ पे गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है, लेकिन गुस्सा ऐसे ही नहीं, गलती पे होता है, किसी पॉइंट पे होगा, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिए हैं, ये 3 पॉइंट अगर आप समझ गए तो आप पता कर सकते हो कि सामने वाले के साइन में से कौन सा साइन जो है ज़्यादा प्यार को बताता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, बस इतना ही। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और
कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन है उसको लिखना आप बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा LavinterCity@CM4, वहाँ पर LavinterCity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।